सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, जो कि है टोनल। जो भी आप बेसिक शेडिंग करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम टोनल बोलते हैं। अगर आपको ये टेक्निक आती है तो आप सारे टेक्निक्स को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। बस इसके लिए आपको शेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि डेप्थ वाले एरियाज को शेड कैसे करना है, लाइट एरियाज को किस तरह शेड करना है, किस तरह से आपने शेडिंग को मिक्स करना है, तो वो सब इस टोनल में आएगा। मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपली जो हम शेडिंग करते हैं उसी को बोलते हैं। इस वाले बॉक्स में थोड़ी डार्क शेडिंग करता हूँ। सो ये तो सिंपल शेडिंग है जिसको हम टोनल बोलते हैं, जो कि बेसिक होता है। अगर आपको ये आती है तो सारी टेक्निक्स को आप अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं आपको एक नोज ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसी शेडिंग का यूज़ करके। तो ऐसे ही मैं सारी शेडिंग का यूज़ करके सेम नोज ड्रॉ करूँगा, जिससे आपको सारी शेडिंग टेक्निक्स का समझ में आ जाएगा किस तरह से उनको यूज़ करना है। इसमें तो आपने सिंपली शेडिंग करनी है लाइट एरियाज डार्क एरियाज को देख के, बिल्कुल स्लोली स्लोली। सो हमारी फर्स्ट शेडिंग टेक्निक खत्म हो चुकी है, जो कि है टोनल। तो इस तरह से सिंपली शेडिंग है ये तो। सो नेक्स्ट टेक्निक है स्मजिंग, जिसको हम ब्लेंडिंग भी बोलते हैं, जो कि स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए करते हैं। उसके लिए हमारी शेडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई करके। उसी तरह से पहले शेडिंग करेंगे, उसके ऊपर से फिर कोई भी ब्लेंडिंग टूल का यूज करके हम स्मज कर देंगे। सो मैं स्टंप का यूज करता हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। आप फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टूल आते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। बट इस टेक्निक को यूज़ करने से पहले आपकी शेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको शेडिंग की नॉलेज नहीं है तब आपकी ब्लेंडिंग की कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लेंडिंग हम स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए करते हैं। सो अब मैं सेम ऐसे ही एक नोज ड्रॉ करता हूँ, उसको शेडिंग करता हूँ, फिर उसके ऊपर से मैं आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ टेक्सचर आ चुका है नोज पे, तो इसीलिए हम स्मजिंग का यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड टेक्निक हो गई। अब थर्ड टेक्निक है हमारी हैचिंग। हैचिंग भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल हैचिंग होती है जिसमें हम एक ही डायरेक्शन में हैचिंग करते हैं, और एक होती है क्रॉस हैचिंग, जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। इसमें हमको सिंपली एक ही डायरेक्शन में हैचिंग करनी होती है। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हैचिंग करके हम कंप्लीट ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका यूज़ ग्रेफाइट, चारकोल, कलर पेंसिल और पेन सब में होता है। इसमें भी सेम वैसी शेडिंग करनी होती है, जो भी डार्क एरियाज है वहाँ पे थोड़ा डार्क हैचिंग कर सकते हैं, और जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे लाइट हैचिंग कर सकते हैं। बस एक ही डायरेक्शन में करनी है। मैं भी आपको सेम नोज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस हैचिंग, सेम वैसी है जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया, बट उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी स्ट्रोक्स को लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको एक ही डायरेक्शन में लगानी है। इस तरह से हम किसी भी डायरेक्शन में लाइंस को लगा सकते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से मैं आपको एक नोज भी ड्रॉ कर दिखाता हूँ सेम वैसे ही। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो ये काफ़ी फेवरेट है मेरी। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है स्कम्बल। इस टेक्निक में हमें ओवल की शेप में अपनी पेंसिल को मूव करना होता है। बेसिकली इस टेक्निक का यूज हम पेड़ पौधे बनाने के लिए करते हैं। पेड़ पौधे आप काफी अच्छे से बना पाओगे इससे, जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं। बस आपको प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा, जहां पे डार्क हो वहां पे थोड़ा डार्क प्रेशर का यूज कर सकते हैं, और बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए डार्क एरियाज को शेडिंग करने की, लाइट एरियाज को शेडिंग करने की। इस टेक्निक से भी एक बार नोज ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। सो लास्ट टेक्निक है स्टिप्पल, जो कि हम डॉट डॉट से ड्राइंग बनाते हैं। बेसिकली आजकल ये ज्यादातर पॉपुलर हो रही है, जो कि हम पेन का यूज करके ड्रॉ करते हैं। इसमें सिंपली हमें डॉट लगाने हैं, जहाँ पे लाइट एरियाज होंगे वहाँ पे हमें लाइट डॉट लगाने हैं, और जहाँ पे डार्क एरियाज होंगे वहाँ पे आप थोड़ी डार्क पेंसिल का यूज़ करके
डॉट लगा सकते हैं या फिर डार्क पेन का यूज करके डॉट लगा सकते हैं। ओनली इन डॉट्स का यूज करके हमें कंप्लीट ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ती है। सो गाइस कुछ इस तरह से हम